2006-07 की बात है, पिपलियापाला तालाब में जो बच्ची पानी में डूब गई थी, कचरा बीनने वाली थी, पन्नी बीनते जो बच्चे 12-13 साल की थी जी। और वो कचरा बीनते बीनते वो पिपलियापाला तक पहुंच गई। जब उस टाइम पे ऐसा ही कुछ भी नहीं था पिपलियापाला, वो सन्नाटा, वहां गए तो फायर ब्रिगेड आ चुकी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद अंधेरा हो गया। फायर ब्रिगेड बोले भैया हमारे पास लाइट का इंतजाम नहीं, आप लाइट करवा दो तो हम करें। मैंने कहा लाइट कहाँ से लाएं? फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं इसको बीच में नहीं छोड़ना चाहता। मैं वहाँ से सड़क तक आया और 2-3 कारों को हाथ दिए। मैंने कहा मेरी बच्ची पानी में डूब गई है और इस तरीके से वहाँ लाइट नहीं और फायर ब्रिगेड वाले खड़े हुए हैं, आप अगर वहाँ कार ले चाहे तो। उन्होंने उस तालाब की मेड़ के ऊपर कारें खड़ी करके और लाइटें जला दी। जब बच्ची बाहर निकाली तो प्रभु की कुछ जो भी उनकी मर्जी थी, उसके पूरे शरीर पे एक भी वस्त्र नहीं था, जिसको देख के मेरे को बड़ा मन में ऐसे लगा कि क्या करूं मैं। पास में कुछ झोपड़ियाँ वोपड़ियाँ थी और कुछ एक बंगले भी थे, तो मैंने उनसे बोला कि कोई चादर कोई कपड़ा दे दो, ऐसी बच्ची डूब गई और वो नग्न अवस्था में, मैं उस पर डाल के उसको हॉस्पिटल ले जाऊँ। पुलिस के डर से या नहीं करना चाहते थे, जो भी भगवान जाने, उन्होंने कुछ नहीं दिया। मैं वापस आया जब तक 1000-2000 लोगों की भीड़ इकट्ठी थी और वो उस बच्ची को घूर रहे थे। मैंने 2 मिनट सोचा, उसके बाद मैंने मेरी पगड़ी उतारी, उस बच्ची को उसमें लपेटा मैंने और अपनी बाहों में उठा के ऑटो में बैठ के और मैं हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर मेरे से बोलते हैं क्या हो गया? मैंने कहा पानी में डूब गई आपकी बच्ची। मैंने हाँ सर मेरी बच्ची है। फटाफट उन्होंने डॉक्टर दौड़ दाड़ करके और उन्होंने जाँच करने के बाद उन्होंने बता दिया बच्ची तो ये मर चुकी है। ठीक है सर मर चुकी, तब क्या करें? पुलिस भी आ गई। अब वो उन्होंने मेरे से बोला डॉक्टर ने, डॉक्टर साहब कहने लगे भैया इनका नाम बताओ। मैंने कहा मेरा नाम तो बता दूंगा, बच्ची का नाम नहीं मालूम। बोले आप अभी कह रहे थे कि मेरी बच्ची है। मैंने कहा साहब मैं ये चाहता था कि इसका इलाज तत्काल शुरू हो जाए, शायद ये बच जाए। अच्छा फिर इसमें क्या हुआ कि जो मेरे समाज के कट्टर लोग थे वो आ गए कि भैया ये तो पगड़ी उतार दी और सिर नंगा घुमाया, ये ऐसी खो नहीं सकता ये वो। मैंने उनसे बोला भैया अगर मेरे को कोई सजा मिलेगी तो प्रभु मेरे को सजा देंगे, उसका जवाब मैं दूंगा, पर मैं कभी भी नहीं चाहूंगा किसी बच्ची के साथ ऐसा हो, और अगर ऐसा होता है तो ये गलती मैं हर बार करूंगा। नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। इन दिनों जब धर्म को लेकर एक अजीब सी भयावहता देश की राजधानी में छाई है, धर्म विशेष को जानकर एक दूसरे की जान ली जा रही है, ऐसे में कुछ नाम सहज ही हमारे सामने आ जाते हैं जो धर्म को देखे जाने बिना ही इंसानियत का हाथ थामते हैं, इंसानियत को बचाते हैं और इंसानियत की वह इबारत रचते हैं जो सदियों से भारत की पहचान रही है। हमारे साथ आज एक ऐसी ही शख्सियत है जिनका नाम है अमरजीत सिंह सुदन। अमरजीत सिंह जो करते हैं वह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दिमाग से कमजोर, असहाय, पीड़ित, घायल, लावारिस और मजबूर लोगों की आप निस्वार्थ मदद करते हैं। इंदौर शहर में आज यह नाम मानवता का सच्चा पर्याय बन गया है। आपका बहुत स्वागत है सर वेब दुनिया में। नमस्कार जी। सबसे पहले तो हम आपसे यही पूछना चाहते हैं सर कि वो कौन सा जुनून है, वो कौन सी प्रेरणा है कि आप इंसान की मदद बिना कुछ जाने बिना किसी जानकारी के करते हैं? सबसे पहले तो मैं मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। मेरी उम्र उस समय 14 वर्ष होगी करीब। अच्छा, मैं स्कूल जाता था, 5वीं 6वीं में पढ़ता था जी। और मैंने रास्ते में देखा कि एक माताजी रो रही हैं, बैठी हुई हैं और विलाप कर रही हैं और उनके सामने एक आदमी लेटा हुआ है। मुझे तो लेटा ही लगा, मैं गया, मैंने कहा माँ जी क्या बात है, इस तरह क्यों रो रही हैं? बोले मेरे पति हैं, इनकी मृत्यु हो गई है, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं इसको इनकी जो लाश है लेके घर तक जा सकूँ या मैं इनका अंतिम संस्कार कर सकूँ। मेरे दिमाग में 2 मिनट के लिए खुटका हुआ, मैंने कहा कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। घर गया, मैंने वो गोलक तोड़ी और मैंने वो 12-15 रुपए जो मेरे पास थे उन रुपयों से मैंने उस हमने का मृतदेह का अंतिम संस्कार किया। घर जब मैं शाम को आया तो पापा जी ने बोला बेटा तू आज बहुत लेट आया, क्या बात है? तो जब मैंने पापा जी को पूरी बात बताई कि पापा जी ऐसा ऐसा हुआ है तो मेरे फादर उनका चेहरा ऐसा हो गया बिल्कुल, उन्होंने बहुत शाबाशी दी, गले से लगाया, बोला बेटा बहुत अच्छा काम किया आपने, इतनी सी उम्र में भी आपके अगर दिल में इस तरीके से है तो वो जो शाबाशी मिली है वो मेरे लिए एक प्रेरणा बन गई है। मुझे आज तक याद है MY में एक दिन में गया, एक माताजी जिसके शरीर पे एक भी वस्त्र नहीं था उनको वस्त्र भी मैंने पहनाए
और उनको फिर वहां से उठा के और मैं उनको एम्बुलेंस ले जाके और मदर टेरेसा आश्रम में उज्जैन में वहां उनको भर्ती कराया। काफी दिनों तक उनका इलाज हुआ। इलाज के बाद में उन्होंने अपने घर का पता बता दिया, वापस इंदौर लाया। यह पास के गांव की रहने वाली थी, उस गांव में उसको छोड़ दिया। तो आपकी अभी बाईपास सर्जरी हुई और आप अपनी सेहत और इन सबको दरकिनार करके आप लगे रहते हैं, तो वही मैं जानना चाह रही थी कि आपको क्या मिलता है। मेरी बाईपास सर्जरी हुई है, तीसरे अटैक में मेरी बाईपास सर्जरी जब हुई थी जी। तो मैं एक क्रिस्टल पार्क की लिफ्ट गिर गई थी जिसमें 5-1 लोग मर गए थे। उनकी 3 लोगों की डेड बॉडी मैंने निकाल के और एम्बुलेंस में रखवा दी थी। चौथी डेड बॉडी के लिए जा रहा था जबकि डॉक्टर ने मुझे मना किया था, और जब उस डेड बॉडी को मैंने कंधे पर उठाया और मैं उनके साथ मैं भी गिर गया जी। उस समय के जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने कहा अरे काम बहुत अच्छा करता, चूंकि मेरे को पुलिस की तरफ से भी अधिकृत किया हुआ है। अच्छा। तो मैंने जैसे मैं गिरा तो मेरे को पुलिस अधिकारी ने गाड़ी में डाला और उसमें रख दिया, हॉस्पिटल भर्ती करा दिया। हॉस्पिटल डॉक्टरों ने जब चेकअप किया तो उनके बाद उन्होंने बता दिया इसके बचने की आशा बहुत कम है क्योंकि तीसरा अटैक है। तो मैंने उस टाइम सोच लिया था कि अटैक तो आ ही गया है, अगर बच गए तो 24 आवर्स यही काम, और नहीं बचे तो घर के लोग पूजा पाठ तो करवा ही देंगे, इतना तो मैंने किया ही है। परिवार वालों की क्या प्रतिक्रिया रहती है, घर के लोग क्या सोचते हैं? पहले पहले बहुत झगड़े होते थे पहले पहले ऐसा लगता था, वाइफ बोलती थी क्या है तुम तो एक काम करो खाना खाने आ जाया करो और एक बिस्तर ले लो और जाके थाने में अस्पताल के पास हो, जिसकी सेवा करनी हो करो, जिसको ले जाके उसका अंतिम संस्कार करना है करो, आपको तो बस यही सोचता और कुछ नहीं है। पर धीरे 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 जब वो देखने लगी कि नहीं यार तो हर दिन पेपरों में नाम है, हर दिन कोई ना कोई न्यूज़ आ रही है, हर दिन कोई ना कोई फ़ोन लगा के बोल रहा है कि आपके पति बहुत अच्छा कर रहे हैं, और वो बोलते हैं आज कोई अच्छा काम करके आना। मेरी बहू है वो भी, मेरी 2 बहनें हैं उनमें से एक बहन चली गई, उन्होंने भी मेरे बहुत सपोर्ट किया है। मेरे भाई लोग हैं वो भी सब मेरे काम को बहुत पसंद करते हैं। 6 भाई हैं, 2 बहनें और उनके जो बच्चे हैं वो भी मेरे साथ में, जैसे उनको मैंने ब्लड डोनर बना रखा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पुलिस विभाग में भी अगर किसी को ब्लड की जरूरत है, खून की जरूरत है, तो निस्वार्थ भाव से मेरे जो परिवार के लोग हैं वो जाते हैं। अच्छा अच्छा। शहर में लोग आपको पापा जी के नाम से जानते हैं, कई बार आप जो दिमाग से कमजोर व्यक्ति होते हैं उनकी भी आप मदद करते, तो आपको डर नहीं लगता? मेरे पिताजी कहते थे भगवान का नाम और पुण्य का काम इसको कभी गिनना मत, करते रहना करते रहना करते रहना। तो एक ने मुझे सिर्फ एक पत्थर उठा के मारने की कोशिश की थी और जब मैंने उसे डराया जी तो वो पत्थर रख दिया उसने। उस बेचारे की भी ये कहानी कि उसको मैं उठा के ले गया, खाना वाना खिलवाया करके, और वो रात में सो गया और रात में उसकी सुबह हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई। अभी मेरे पास एक पेशेंट है जी। वो पेशेंट बोलता भी नहीं है और देख भी नहीं पाता है जी। लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा है वो 2-3 बातें बोलता है, या तो पापा जी या नानी या बाजी, बस ये 3 सब जाते हैं। और मैं जब जाता हूँ आश्रम में तो जैसे ही समझो हवा से या किससे उसको पता लग जाता है जी। पापा जी आ गए, वो पापा जी बोलते हैं तो मुझे लगता है मेरे बच्चे हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। धर्म के नाम पर हिंसा और विष फैलाया जा रहा है देश में, तो ऐसे में आपका क्या संदेश है आमजन को, क्योंकि आप तो धर्म जाति प्रांत ये सब कुछ नहीं देखते, आप सिर्फ इंसानियत देखते हैं जी। मैं तो सबको एक ही संदेश देना चाहूंगा, सबसे पहले हमारा देश, जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश का हम नमक खा रहे हैं, जिस माटी के ऊपर हमने जन्म लिया है, सबसे पहले वो धर्मबाद में जी। सबसे पहले आप ये देखो भूखा है प्यासा है, अगर उसके वस्त्र नहीं है तो आपको ये समझना है कि मेरे रिश्तेदार है, मेरा भाई है, मानव है जी। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा मानस की जात सब है के पहचान वो, कि जितने मानव मात्र हैं सब बराबर हैं। सबको एक ही संदेश दूंगा, सबको अपना भाई माने, अपनी बहन माने। अगर कोई आपसे छोटी बच्ची है तो आपकी बहन है, आपकी बेटी है, आपसे बड़ी है आपके माँ जैसी है, आपके बराबर की है तो आपकी बहन है। ऐसा मान के चलेंगे आप तो आप कभी भी किसी का नुकसान नहीं करेंगे। खून सबका एक है, एक जैसा ही है। इस भारतवर्ष में हमें तो ये खुश होना चाहिए कि सभी जाति सभी धर्मों के लोग अमन चैन से जी रहे हैं। कुछ शरारती तत्व या कुछ पड़ोसी शरारती देश जो हैं वो हमारे यहाँ शांति फैलाना चाहते हैं, पर हम इतनी समझदारी से काम करें कि हमको मालूम हो कि हम ये जो कर रहे हैं इसमें हमारा भी नुकसान है जी। सिर्फ देश का नुकसान नहीं है, अगर आपने किसी ने गाड़ी में आग लगा दी है उसको इंश्योरेंस मिलेगा, इंश्योरेंस और दूसरे जो टैक्स लगेंगे वो नुकसान आपका ही है, आपको ही भरना पड़ेगा। तो हम क्यों हमारे देश का नुकसान करें। अभी आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं आपके इस काम के साथ? वो एक जो कई बार आप सुनते होंगे गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, आते हैं लोग
और जब देखते हैं कोई सड़ी गली लाश है, कीड़े निकल रहे हैं, बदबू आ रही है, तो वो तो 10 फुट दूर से भाग जाते हैं और मेरा नंबर ही ब्लॉक कर देते हैं। आप जिस तरह के अनुभव बता रहे हैं वो आम आदमी के बस की बात तो नहीं है, ये निश्चित तौर पर नहीं है। तो क्या कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत हो गया, अब नहीं करना ये सब, अब अपने बारे में सोचना है, बहुत कर दिया, परमार्थ के काम बहुत कर दिए, और इस तरह के अनुभव होते हैं, तो कभी लगा ऐसा? नहीं नहीं, मेरे को तो ये लगता कि मैंने कुछ भी नहीं किया अभी जी। अभी तो शुरुआत है, तो प्रभु मेरे को इतना इतनी शक्ति देना कि मैं आखिरी दम तक ये काम करता रहूं। मुझे कुछ, पहले भी मैंने आपसे बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एक ही चाहिए कि कोई एक सरदार है। मेरे को कई बार बोलते हैं लोग, एक बार एक फेसबुक पे एक चला हमारे दोस्तों में कि आपने काम के हिसाब से आप अपना नाम बताओ क्या होना चाहिए जी। दोस्तों ने अपने अपने नाम लिखे, मैंने लिए मेरा नाम लिख दो आदमी सड़क का। जब मैंने ये लिखा तो उसके ऊपर से कमेंट आए, बोले जो आप काम कर रहे हो आदमी सड़क के ही कर सकते हैं, महलों वाले नहीं कर सकते। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ मेरे को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, बाईपास है, मेरी उम्र 65 की हो रही है, और मतलब कभी मैंने ये नहीं सोचा है कि यार भूख लग रही पहले खाना खा लें फिर ये काम करेंगे। मेरे पास में अगर अभी भी कोई फ़ोन आ जाएगा, अभी तो खैर फोन बंद है, आ जाए तो मैं क्या करूँगा, रस्ते में से एक प्लेट पोहे लूँगा, जल्दी से खा लूँगा, चाय पी लूँगा और वो काम निपटाने के लिए चला जाऊँगा। मैं कभी ये नहीं सोचता कि यार अब मर तो गया है, आदमी ख़त्म हो गया है, अब अपन पहले से अपना काम निपटा लें फिर जाएंगे। मैं ये सोचता हूँ कि जो मृत देह है उसका असम्मान नहीं हो, सम्मानित तरीके से आखिरी समय में उसको कफन दें, उसको नहलाएं और उसको जो उसकी जगह है अंतिम संस्कार करना है हिंदू रीति से, मुसलमान रीति से या सिख रीति से, वो किया जाए जी। तो यह है इंसानियत की खूबसूरत परिभाषा रचते अमरजीत सिंह सुदन। समाज को आज ऐसे ही कई कई अमरजीत सिंह की जरूरत है। आइए आगे बढ़े और इंसानियत का हाथ थामे। वेब दुनिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।